इस क्षेत्र में हजारों नौजवान आज प्रदेश में रहा है, हजारों नौजवान इस क्षेत्र के प्रदेश में रहा है। की कराथिन हाजरी फुटिया के काम कराथिन। हमने बंबई गए तो वहां 30-40 को लड़का हटेल थू नया साइड के, तो बीच में बात है लगले को होटल लगले, तो वहां बंबई के भी लोग सामने हले अपने सुन ले, तो जब कहले बात बात में कि नहीं हमने बोकारो से आए लिए धनबाद से आए लिए, तो अपने थोड़ा सा मैंने मजाक टाइप के हमने साथ बिहेव कर ले, तो कारण की हले ना कारण ही हले अपने कहना हले कि भाई आप धनबाद बोकारो से आए हैं, धनबाद यानी जो भारत देश को सबसे ज्यादा कोयला दे रहा है, सबसे बढ़िया कोयला दे रहा है बोकारो, यानी जहाँ बारूद कारखाना है, जहाँ स्टील कारखाना है, अगर वहां के लड़का लोग यहाँ 7,000-8,000 का नौकरी करने के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल आप कीजिएगा जिनको वोट देके आए हैं कि आपने हमारे राज्य के लिए क्या व्यवस्था किया, बताओ। है बोकारो की अगर बात कर भाई तो तुहार गोमिया में आईएल हो, इंडियन एक्सप्लोजिव लिमिटेड गोमिया में, यह चास में बोकारो स्टील प्लांट, यह चंदन क्यारी में इलेक्ट्रो स्टील वेदांता, तो कहीं गैस के कारखाना, यानी इस राज्य में रोजगार के कमी ना है, इस राज्य में आर्थिक जो साधन है अगर कमी ना है, इस राज्य में अगर कमी है तो आज जकरा हमने नेतृत्व यानी वोट दहा और विचार में कमी है, और सोच में कमी है, और नियत में कमी है। जैसे अभी तोहनी अखबार में पढ़ा अपने बगल के एक विधानसभा है बैरमो, वहां एक नेता है, पेपर में एक दिन पढ़ लगा कि एक दिन में 1 करोड़ के कोयला के कारोबार कर रहे हैं, एक दिन में, यानी एक स्पष्ट है कि हमारे राज्य में रोजी रोजगार या फिर आर्थिक साधन की कमी ना है, यदि कमी है तो जकरा हमने वोट दे और नियत में कमी है। जैसे अभी वर्तमान जितना भी सांसद सांसद प्रत्याशी या फिर पूर्व के सांसद सबके बारे इंक्वायरी करा, देखा सबसे पहला बात एक चीज अच्छा जाना, लोकतंत्र के खूबसूरती की लगे, लोकतंत्र के मतलब ना लगे कि डर भय में वोट देना, लोकतंत्र के मतलब ना लगे कि लोभ और लालच में वोट देना, तोरा अपन नेता के जाने के अधिकार हो। तो इस प्रकार से जब अपन बेटी के शादी कर रहे हैं तो दामाद के बारे 2 महीना जाने हैं, इन्फॉर्मेशन पता लग में है, इंक्वायरी करे हैं, एकर ओकर से फोन करे हैं, जानकारी इकट्ठा करे हैं कि लोकवा अच्छा लगे कि बुरा लगे, ठीक है। इसने अभी चुनाव के माहौल आई गेलो, जे जे वोट में डराए लो अखने के बाद इंक्वायरी कर कौन लोकवा कैसन लगो, ओकर सोच कैसन हो, ओकर विचार कैसन हो, तब जाके ओकरा मतदान करिए। आज अभी देखा एकर से पहले पूर्व में हलथुन माननीय सांसद, ओकरा 5 बार लोग सांसद बनेल थे, लेकिन बदले में वो की कर ले जनता के सोचले कम, लास्ट टुंडी से अपन बेटा कर ले चल बेटा विधायक लड़, जीटी रोड में कोई पब्लिक स्कूल बनवा लो, उस पब्लिक स्कूल के फी 3,000 रुपया हो, इसीलिए कह लो नेता के सोच के जाने। आज अगर हमने जनता इस भारत देश के जनता, हम केवल एगो गिरिडीह सीट के बात नहीं कर रहे हो, हम पूरे भारत देश के 543 सीट में जो वोट दिए वाला ओखनी के संदेश देवे, चूंकि हालांकि ओखनी सभी हमने भाषा में बुझता है, लेकिन हमने प्रयास करवाए ओखनी के एक संदेश देवे कि भाई आज तोहनी के नेता विजन वाला चुने है, तो बताओ जिस नेता के काम वाला है सदन में जाके शिक्षा नीति पे चर्चा करना, शिक्षा नीति पे बात करना, आज वो नेता की कर लो पब्लिक स्कूल खोल डालो, नर्सरी के भी 3,000 हो, यानी हम चुन लिए नेता, हमें चुन लिए राजनेता, वो काम कर लो व्यापारी वाला, तो व्यापारी सोच के, हमारा व्यापारी से कोई दुश्मनी ना है, लेकिन व्यापारी सोच के आदमी राजनेता ना बनना चाहे हमें इस बात से असहमत रहिए, वो व्यापारी सोच के आदमी अगर राजनेता बनता तो बेचे में देरी नहीं लगे, तो यानी पूर्व सांसद अब वर्तमान सांसद का देख ले, खोद रहा तुम सांसद और हमने के माय मुसी के लग दे दरी कुर्सी और अपन पत्नी के रामगढ़ में लेके दे दिलो विधायक वाला कुर्सी 2,88,000 पेमेंट, अगर सेवा ही करे कल तो माननीय अर्धांगनी जे हल थीन माननीय ऑलरेडी सरकारी टीचर लग ले, यदि सेवा ही करना हल तो सरकारी मास्टर नहीं लग ले, अरे टीचर से ज्यादा कोई सेवा कर है की, एक सरकारी टीचर लग ले गिधर पढ़े काम हल, लेकिन अखने के मालूम है कि राजनीति यानी मेवा, यानी खुद यहां से सांसद पत्नी है अलग विधानसभा से विधायक। आज हमने किस बात के तकलीफ है, आज बहुत जाने का तो है सगल अपनी समर्थक है भीड़ में हफ्तून कि ना ही खाली आलोचना कर है बड़ी बोल है, अरे भाई तो हम ना बोलते लियो, कहे बोलते लियो, तो राजनेता बन के गेल हल है,
तो अगर व्यापारी बन के जीतल है और 1 करोड़ के जगह तो 1 दिन में 1 अरब कमेतल हमारा शिकायत न बेतल। लेकिन हाँ, तोरा वोट दिए वाला जनता और आज जनता के बच्चा रोजगार के चलते प्रदेश चल जाए, आज जनता के गिदर बुतर पढ़ाई लिखाई ना भय चलती आधा रास्ते अपन पढ़ाई छोड़ दे, और तोर बेटा अगर दिल्ली में बैठ के विदेश की कंपनी टेक ओवर कर तो सवाल तो करबो। तो अगर जनता के नियर रहते कोई सवाल ना बेतलो, तोर बेटा पढ़ल लिखल ना निकलो, तोर तो 4 गो 8 गो स्कूल कॉलेज खोल दे है, एगो के डायरेक्टर 2 गो के तोर बेटा स्कूल के डायरेक्टर हो। जब भी प्रत्याशी अतुन चाहे चंद्र प्रकाश चौधरी जी की बात करा, मथुरा प्रसाद महतो की बात करा, इंक्वायरी कर लिया कि ओकर सोच की लगे, ओकर विजन की लगे, अखनी कुछ कर ले चाहे ना कर ले, जीटी रोड में जमीन बड्डी लल थी, यहां हुआ पूरा जमीन लल थी, तो इतना तो सामाजिक न्याय के सोच नहीं लगे, इतना तो पूंजीवाद के सोच लगे। और आज तो देख रहा किस प्रकार से भारत देश की स्थिति है, सारा पैसा मुट्ठी भर आदमी के हाथ में केंद्रित भय रहा है, तमाम व्यवस्था राजनीति के मुट्ठी भर आदमी के हाथ में केंद्रित भय रहा है। इसीलिए आज हमने के विकेंद्रीकरण पर सोचना चाहिए। विकेंद्रीकरण मतलब विस्तार में, बंटवारा में, इस विषय में हमने के सोचना चाहिए। आज इसलिए हम इस राज्य में एक नई राजनीतिक चेतना के तहत आगाज कर लिए। हालांकि हमने के रास्ता आसान ना है, रास्ता आसान होना भी नहीं चाहिए, आसान रास्ता में अगर कोई चले तो फिर नौजवान का है, तो बिल्कुल हमने चाहे रास्ता आसान होना भी चलना चाहे, हमने एक कठिन रास्ता में चले के प्रयास कर लिए, अगर तुमने के आशीर्वाद रह लाए तो रास्ता के भी हमने पार पा ले। और एक बात सीधा जान ले, अभी चुनाव के माहौल में देखवा बाकी जो नेता सब है तो अग्नि अपन हर प्रकार से साम दाम दंड भेद के नीति अपने, तो आज अगर 1 दिन किसी लोभ में किसी लालच में चल गया तो याद रखिए बाकी 5 साल तरसाई के रख दो। इसलिए आज उस लोभ लालच के परित्याग करना हो, कह के देख ले आज बात अगर करवा तो सबसे पहला बात एजुकेशन पे करिया कि अगर आप संसद का चुनाव लड़ रहे हैं तो पहला काम कीजिए, आपके नाम से एक भी बीएड कॉलेज नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहला काम कीजिए, क्योंकि आप संसद रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और आप शिक्षा का व्यापारी बनिएगा और अपने आप को एमपी बोलिएगा। इसलिए पहला काम जो भी प्रत्याशी होंगे आपके नाम में डायरेक्ट रूप से इनडायरेक्ट रूप से किसी प्रकार का कोई बीएड कॉलेज नहीं होना चाहिए। आज बीएड का फी 2 लाख, कहीं 1.5 लाख, कहीं 2.25 लाख, बताइए कौन सा आज गोमिया प्रखंड में कितना घर परिवार ऐसा है जो अपने बच्चों को बीएड का डिग्री दिलाएंगे भाई। यानी आप पहला काम कीजिए, एजुकेशन पे बात कीजिए, क्योंकि देखा तोहनियों जाना हमने जाना है, कितनो जिंदगी भर मजदूरी करा 12 के बदले 18 को ईटा मुड़े ला दिले, गरीबी अगर गरीबी के सीमा का अगर पार पाना हो तो पढ़ाई लिखाई एजुकेशन ओकरे माध्यम से सीमा रेखा के पार जीवा। इसीलिए राजनेता के पहला काम होना चाहिए एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई पे बात करना, आज कैसे किस प्रकार के कोर्स के आनल जाए कि ओकर से उस शिक्षा के ओकर बाकी जीवन में उपयोग है, मैक्सिमम प्रैक्टिकल कोर्स होना चाहे, वोकेशनल कोर्स होना चाहे, एकर से की बेटे जैसे जैसे पढ़ता है ओकर से 2 पैसा कमा लेते, लेकिन ओकर पास आइडिया रह चेतन ना। इसलिए छोटा सा तोने के कहानी बतवाई, एक राजा हले ओकर दरबार में एगो अंधा आदमी रहा है, तो अंधा आदमी हमेशा डिम्बा खा ले, मीट मछली ओकरा खा ले दहले, और बदले में वो अंधा आदमी की करा ले पूरा राज में घूर ले, जैसे कभी तिस्कोपी के चौक में, कभी चुट्टे के चौक में, कभी चतरो चट्टी के चौक में, तो कभी झुमरा में, तो कभी बिशुनगढ़ गोविंदपुर में बैठा हले, और हमेशा राजा के गुणगान करा ले, कभी फ्री में खाए ले मिला ले, और आय के ना हले कोई काम दाम हले ना बेचारा के, राजा ओकरा खा ले दहले, और हमेशा गांव गांव घूर ले और कहा राजा बहुत अच्छा है, राजा बहुत अच्छा है, राजा बहुत अच्छा है। तो एक दिन राजा सुन ले कि तो बढ़िया लोग लगे हर जगह हमारा नाम कर रहा है, तो राजा कहले ठीक है मंत्री जी एक काम कीजिए, इसकी आंख का इलाज किया जाए। तो मंत्री ने कहले राजा साहब पगला उगलाई गला की अगर ये अंधा हो अंधा रह था, बल्कि अगर 2 गो दिमाग जगह 4 गो दिमाग ही आओ, एक मुर्गा जाएगा रोज मुर्गा बना बना खियाओ, लेकिन अगर अंधे रह दे अगर अगर आंख के इलाज कर दबे तो सबसे पहले ही तोर काला कारनामा देखतो और सबसे पहला सवाल तोर से यह करतो। वही हाल आज नेता के हो,
वो हमनी के फ्री में 5 किलो के 4 खिया जाते तो। लेकिन एजुकेशन पे बात करे कहवा 18% के GST लगाया जाता तो ये भारत के तस्वीर हो। अखनी के कहबी ना कि हमार बेटी ब्याह करना हो 2000 टका दे देते 4000 दे देते, लेकिन कहबा ना बेटिया के पढ़े खो तो तुम जन्म लेना कहे कि आँख खुल जो ना तो फिर एक झंडा कैद होते। आँख अगर खुल जाता है तो झंडा कैद होता है, आधे पति सांसद पत्नी विधायक ऐसे कर ले बैठवा चेयरमैन बनते, यानी एगो सिस्टम है झंडा ढग के। तो झंडा कैद होते भाई अखनी के से खातिर अखनी एजुकेशन पे बात नहीं करते। एजुकेशन के सिस्टम के अखनी हैंग कर ले लो, सारा कॉलेज अपन अधीन कर ले लो, पॉलिटेक्निक कॉलेज रहे, बीएड कॉलेज रहे, अन्य कॉलेज रहे, मैक्सिमम कॉलेज अधीन कर लो तुमने तगिला में, ताकि ओकर फी मांगा रहता है और जितना कम आदमी तक शिक्षा देता है उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि मैक्सिमम आबादी के बोका बना के रखते। इसलिए आज जनता के इस बात के जाने है तो एकनी कर चाल चरित्र के समझे है तो। जब तक एकनी चाल चरित्र के ना समझवा तब तक आसान नहीं लगे कि हमने अपन राज्य के उत्थान कर सका। इसलिए आज तुमने के बीच हमने इस संदेश के लेके आई लियो, बैठा बैठा कहां जाए लगला घर हमने जब तो नहीं तो घाट ठावे हमने बड़ी दूर जाए के। गुरुजी कंट्रोल ला आप सवाल एक बात जान ले हाथ की भले वो अच्छा बैठ जाना अपने तो नहीं दखिया दाग बैठ जा। इसलिए एक बात स्पष्ट है, जकरा भी वोट जीते ओकर योग्यता पे जीते। जैसे अभी बहुत कोई है कि सांसद है के कहतो अब की बार 400 पार, अब कहतो सांसद है के कि अब की बार 400 बार हमको मत देखिए, दिल्ली में मोदी जी को देखिए, चाहे वो कहतो हमको नहीं राहुल गांधी को देखिए, हमारे गुरु जी को देखिए। तो एक लाइन तो नहीं सम पूछा चाहे हो ये कितना जाना कि अपन बेटी के ससुर के ना दे मैंने बेटवा के सॉरी दामाद के छोड़ के ससुर के देख के दबा ससुर के देख के बेटी दिए वाला कह जाना हाथ खड़ा करा कोई ना जिसने भाई दामाद दामाद लगे एक जमाना आला है कि ससुरा के देख के दे डालते दामाद के देख के दबाग ना बेटी। तो जब जमैया के देख के बेटिया दबाग ससुरा के देख के बेटिया ना दबाग तो दिल्ली में बैठल मोदी और राहुल गांधी के नाम पे यहां के संसद के वोट कहे मिलते, एकर योग्यता होना चाहिए। संसद की योग्यता पे वोट देते कहे कि अगर तुम्हें मुसीबत में पड़ गए तो मोदी जी डायरेक्ट फोन थोड़ी करते, मान के चल वीडियो ही तो काम लग गए तो कि मोदी साहब वीडियो के फोन करते नहीं करते, सांसद के करे रहते। इसीलिए संसद के आधार पे वोट करिया, ये देश के हमेशा अग्नि बोकार बना के रखा लेते। अगर तोरा इसीलिए इस बात का ध्यान रखिया और विशेषकर जितना भी माय मौसी सभा आज तोहनी के थोड़ा सा राजनीतिक चिंता करे तो कहे कि देखा लड़का जो हो अपनी चाय के दुकान में बैठा हो, कोई पान के गुमटी में बैठो हो, अपनी के मालूम है कि राजनीति की लगे की भेवा है, लेकिन तोहनी आज भी नहीं पूछे पड़ा कि राजनीति की लगे की भेवा है, वोट की लगे, संसद के चुनाव की लगे। आज तोहनी के भी जाने की दरकार हो, कहे कि आधी आबादी की अगर भागीदारी ना भेतो तो बदलाव कैसे होते, और खासकर स्त्री के तोहनी के तो वोट के बारे विशेष जानना चाहे। इसलिए जानना चाहे कि जितना दादी से हम एक सवाल पूछे हो आज से 30-40 साल पहले या फिर पुराना समय में ये व्यवस्था हलाय कि कोई एक स्त्री पुरुष के बीच में जाके मीटिंग में बैठ के सुना हले, याद हो तोनी एको घटना है सर तोनिक समय संधवा हले ऐसा ना रहा हले। लेकिन आज तुम देख ले वोट में की ताकत है कि आज झारखंड में हर एक दूसरा पंचायत के मुखिया एगो मेहरारू लगाए, हर एक दूसरा पंचायत के मुखिया को मेहरारू लगाए, और जे स्त्री के मीटिंग जाए के मौका नहीं मिल रहा है वो दूर से मीटिंगवा के ओनाए ओनाए के सुना हल है, आज वो मीटिंगवा में जाए के कुर्सियां लय के बैठा है
और फैसला भी सुनवा है, फैसला भी सुनवा है कि फल्ला इटा तोर दो सो, फल्ली इटा तोर दो सो। आखिर मुखिया वहां जितना है फैसला करत सुने तो कुछ तो बोला लिया थे। तो इसीलिए वोट के व्यवस्था के तोनी के जाने है तो कि वोट से की परिणाम मिले। और चूंकि लड़का सब तो दिन भर हमारे से घुरबे करा तू, लेकिन तोनी की एक बात कहो, आज तोनी के जाने है तो कि तोनी की लगा, आज तक अभी तोनी जाने चेष्टे ने करा तोनी की लगा। अच्छा खैर देखो छोटा सा उदाहरण देके बुझाई दे तोनी की लगा। अभी शादी ब्याह के भी समय है, ब्याह कार्ड देखा ला, देखिए ओकर में अगर लड़का रहे तो ओकरा श्रीमान लिखे, देखा ला ना, अगर बेटा छुआ रहे तो श्रीमान और बेटी छुआ रहे श्रीमती। तो चलिए हमने तनी मैथ के भी स्टूडेंट लगा, यानी एक्स वाई एक तरफ एक्स जेड, तो एक्स एक्स कट गए बाँचले वाई जेड, तो सैन्य श्रीमान श्रीमती, दियो में श्री श्री एक कट गए तो बाँचले मान और मती। तो मान मने भाई गलो सम्मान, यानी जे तोर पुरुष लगो तोर मान अभिमान तोर गौरव लगो, लेकिन तो क्या लगे मालूम हो ना, मती यानी की व्यवहार। अगर पुरुष मान लगाए तो स्त्री मती लगे, तो मती मने की व्यवहार। तुमने को गायर नहीं सुनना कि हाँ मुहजारा है तो मती तो मारा गया लौकी जो खेपा नियर कर बोले हैं, तो मती मने दिमाग व्यवहार, यानी तोहनी दिमाग लगा। अब समझाए दे, जैसे कभी भी देखिए अगर तोर श्रीमान तोरा संगल लेके बिहागार गेलो, वो जहां भी गेलो देखिए हंसते मुस्कुराते हुए वापस घर आई गेलो, तोरा संगल लेके भोज घर गेलो हंसते मुस्कुराते हुए घर वापस आई गेलो, तोरा संगल लेके वो मेला देखे गेलो, तो एगो कोरवा में गिदरवा ले ली वो कंधे लाद लो और झिलिया बदाम खाई खाई के हंसते हंसते घर आई गेलो। कहे पता हो ना, श्रीमान अपन संगे श्रीमती यानी मती यानी दिमाग ओकर लेके गेलो, लेकिन एक जगह मार खाई के लो गायर सुन के लो, कहा पता हो ताड़ी गोदाम में मुर्गा अकड़ा में माड़ी गोदाम में, कहे पता हो ना श्रीमती के घर रख के गेलो। बात समझला, तो से चीज बात तोहनी लगा, लेकिन अगर तोहनी ना समझवा तोहनी ना बुझवा तो बताओ हम कितना समझियो, समझे तो ठीक है। हमने कहा एक दो जगह कार्यक्रम है, थोड़ा सा समय की पाबंदी है, एटे कहो 2024 के चुनाव में इस बार तोहनी के मत के अभिलाषा है और इस राज्य के नव निर्माण में जो प्रयास कर लिए ओकरा मजबूती दिए के काम करिया, एटे तोहनी से आशीर्वाद चाहे, ठीक है। बाकी जोहार झारखंड, जय झारखंड। सानु मातो झारखंडी को लाइक फॉलो शेयर कमेंट करें।